भारतवर्ष के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे सबके प्रिय श्री नरेंद्र मोदी की दी के उपस्थिति में मेरे को ये दो शब्द साझा करने की जो मौका मिली है उसके लिए मैं आभार हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सम्माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, भारतीय वाणिज्य जगत और उद्योग जगत के आए हुए अनेकों मेरे साथी हैं जो यहाँ पर हैं, उन सबको मेरे तरफ से अभिनंदन। और इस महान कार्यक्रम जो ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट समिट, जो पुष्कर सिंह धामी जी और उत्तराखंड सरकार यहाँ पे हमको आह्वान किया हुआ है, एमआर की तरफ से मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप गत 10 वर्षों से जैसे देश को एक नया दिशा दिया है, एक नया सोचने की एक दृढ़ संकल्प दिया है, जिस दिव्य दृष्टि से और दूरदृष्टि से आपने हम सबको एक नया ऊर्जा दिया है, उस सबके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आप हमारे लिए एक बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं और ये देश के लिए जो आगे बढ़ाने की आपकी मुहिम ने आपने छेड़ी है, देश जिस गति से आगे बढ़ रही है, जिस प्रगति के पथ पर आपने देश को अभी रख दिया है, उसमें हम आपके साथ खड़े होकर आपके साथ जुड़ के इसको आगे बढ़ाने की जो हमारी थोड़ी सी भूमिका रहेगी, थोड़ी सी हम भी अपना योगदान करेंगे, इसकी मैं इच्छा करता हूँ और सोचता हूँ कि इससे आपकी उम्मीदों पर हम थोड़ा खड़े उतरेंगे। जिस ऊर्जा और प्रेरणा आप हमें देते हैं, एक वाणिज्य जगत की सिपाही होने के नाते, छोटी सी सिपाही होने के नाते, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम प्रतिबद्ध हैं ये भारतवर्ष की जो विकसित राष्ट्र होने की मुहिम के पूरे निष्ठा के साथ हम आपके साथ खड़े रहेंगे और थोड़ी सी अवदान हम भी करेंगे। इमार जिसका ग्लोबल हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, मैं जब ट्रैवल करता हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाता हूँ, जो रिश्ते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भारत के, उस रिश्ते एक नए पायदान में पहुँच गए हैं। हम जब बिजनेस मीटिंग्स में जाते हैं आजकल, तो जो गर्व के साथ महसूस हम गर्व जो महसूस करते हैं, गर्वान्वित होते हैं, और जो गौरव हमें वहाँ पर मिलता है विश्व में, वो कभी मिला नहीं था। मैं अभी 25-30 साल से विश्व में घूमता रहता हूँ, लेकिन पिछले 5-10 साल से जो फ़र्क आया है नज़रिए में, विश्व में हम जब जाते हैं अलग अलग जगह पे, वो पहले कभी नहीं था। और जो मेरे चेयरमैन जो मेरे कंपनी का स्टार्टर जो किए थे पुरोधा मोहम्मद अलावार जी, हिज एक्सेलेंसी, उनका भारत की प्रति एक अगाढ़ प्रेम तो है ही, लेकिन जो मैं नया देखता हूँ उनका भारत की प्रति एक नया कमिटमेंट, भारत में कुछ नया करने की जो इच्छा, वो कुछ अलग ही है। हम हालांकि जाने जाते हैं बुर्ज खलीफा, जो दुनिया का सबसे बड़ा इमारत है, उसका निर्माणकर्ता के रूप में हमारी कंपनी जानी जाती है। हम कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, जिससे हम भारत की सर ऊँचा रखें, आपकी सर ऊँचा रखें, कुछ नया करके दिखाएँ जो आप हमें प्रेरणा देते हैं। लाखों युवा आपसे ऑफकोर्स प्रेरणा पाते ही हैं, लेकिन ये वाणिज्य जगत के छोटे छोटे मेरे जैसे सामान्य मानवी भी बहुत प्रेरणा पाता है कि कुछ करें देश के लिए, कुछ करके दिखाएं। इसी संदर्भ में मैं जब यहाँ पे खड़ा हूँ तो दो तीन चीज़ें और भी बोलने का शास्त्र करूँगा। ईज ऑफ बिजनेस में जो मामले आपने बदलाव लाए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, GST जो लगता था कि कभी आएगी नहीं, आप लेके आए, उसके लिए जो चेष्टा थी, उसके लिए जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपने किया, फिनटेक की दुनिया में डिजिटल इंडिया जो आपने किया, उसमें वाणिज्य जगत को बहुत फ़ायदा होता है। हम लोगों को बिजनेस करने की जो ईज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और जिससे हमको बहुत आशा और अपेक्षा काफ़ी बढ़ता है कि हम कुछ करें और करके दिखाएं।